देखिए क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में होता क्या है और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में हमें लिखना क्या है। देखिए हमारे सिलेबस के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लिखनी है कि ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड क्रेडिट कार्ड के होते हैं वो आपको समझना है खाली। ठीक है ना, तो बहुत कम उम्मीद है कि ये लॉन्ग में आएगा, तो जब भी ये आएगा शॉर्ट में ही इसका बन रहा है, क्योंकि अगर उसका पूरा वो लिखता कि आपको कैसे बचना है ये सब लिखता और तब ये 5 पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन आता। ठीक है, तो उम्मीद ये है कि 2 मार्क्स में आएगा, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग इसमें लिख सकते हैं। तो पहला है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। तो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड क्या होता है ये, अब इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको समझानी है इसमें कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता कैसे क्या है, ये समझाना है बस। तो क्या बोल रहा है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड इज ब्रॉडर टर्म्स कंसिस्ट ऑफ थेफ्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ कार्ड। तो फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ कार्ड, दिस द पर्पस ऑफ द फ्रॉड मे बी टू ऑब्टेन गुड्स विदाउट पेइंग और गेटिंग अनऑथराइज फंड फ्रॉम द अकाउंट। तो यहाँ तक आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का मतलब हुआ कि आपके बिना परमिशन के आपका कोई कार्ड यूज़ कर रहा है तो उसको हम क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कहते हैं। ठीक है, तो अब क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है तो कभी कभी एग्जाम में डेबिट कार्ड फ्रॉड भी आपसे पूछ सकता है, तो दोनों का सेम ही एग्जाम्पल आपका बनेगा, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का भी और डेबिट कार्ड फ्रॉड का भी, दोनों का सेम एग्जाम्पल बनेगा। तो इसमें आपको केवल यही समझाना है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का जो फ्रॉड होता है वो उसमें हम लोग बिना हमारे यूज़ के अनऑथराइज तरीके से, मतलब बिना हमारे हमसे पूछे अनऑथराइज तरीके से हमारा कार्ड यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, और उसमें से फंड विदड्रॉ कर लिए जाते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। ठीक है, तो ये जो अनऑथराइज तरीका है ये कौन कर रहा है, अब आप जहाँ पे कार्ड यूज़ कर रहे हो। ठीक है, जैसे आपने किसी शॉप पे यूज़ किया कार्ड, उसने कोई गलत मशीन लगाई और आपकी इन्फॉर्मेशन कॉपी कर ली। ठीक है, या फिर आपने कहीं पे वो यू मतलब कार्ड स्वाइप किया और आपके कार्ड का किसी ने फोटो ले लिया, और प्लस जब आप उसमें पिन नंबर डाल रहे थे मशीन में, आपने किसी ने आपका पिन नंबर भी देख लिया। तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो मतलब आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ हो गए, मतलब पैसे निकल गए, तो ये भी आपका कैटेगरी आ गया क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, इस तरीके से होता है। तो आपको इसमें जो फोकस करना है, जो आंसर लिखना है, इसमें आपको यही दिखाना है कि कार्ड का फ्रॉडुलेंट यूज़। ठीक है, आपको यहाँ पे जो कीवर्ड है वो आपको कीवर्ड में लिखना है फ्रॉडुलेंट यूज़, आप कीवर्ड में ये समझाओगे, और दूसरा आप समझाओगे इसका पेइंग पेइंग अनऑथराइज फंड। पेइंग मतलब अनऑथराइज फंड का मतलब क्या हुआ कि जिसके लिए आप ऑथराइज नहीं हो पे करने के लिए, आपने उसको पे कर दिया अनऑथराइज फंड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मतलब ये 2 तरीका से आपको आंसर अपना एक्सप्लेन करना है, फ्रॉडुलेंट यूज़ को लेके और पेइंग अनऑथराइज फंड को लेके। तो ये सब चीज़ आप अपने आंसर में लिखोगे तब ये समझ में आएगा कि हाँ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझाना है, तो यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में हमको नहीं जाना है, बस खाली यहाँ तक हम समझा देंगे तो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फॉल्स अकाउंटिंग फ्रॉड। फॉल्स अकाउंटिंग फ्रॉड में देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे अकाउंटिंग से लेके फ्रॉड है। ठीक है, तो इसमें भी आपका जो बुक में आंसर लिखा हुआ है उसी आंसर को आपको फॉलो करना है। अ फॉल्स अकाउंटिंग फ्रॉड अकर्स व्हेन द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर ओवर स्टेटेड और इट्स लाइबिलिटीज आर अंडर स्टेटेड इन ऑर्डर टू मेक इट अपियर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दैट वॉट इट इज इन रियलिटी। उसका मतलब क्या हुआ कि जो फॉल्स अकाउंटिंग फ्रॉड होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने बैलेंस शीट को गलत दिखाते हैं। तो पहला चीज़ आप याद रखोगे, बैलेंस शीट को हम यहाँ पे गलत दिखाते हैं। तो कैसे गलत दिखाते हैं, अपने एसेट्स को, बैलेंस शीट में आप जानते हो 2 साइड होता है, एक एसेट्स लाइबिलिटीज। ठीक है, तो जो हमारा एसेट्स होता है उसको हम बढ़ा के दिखा रहे हैं और जो हमारी लाइबिलिटी है उसको कम दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं,
एसेट घटाते क्यों हैं, लाइबिलिटी घटाते क्यों हैं? क्योंकि हमारा बैलेंस शीट स्ट्रांग दिखे। अगर आपके बैलेंस शीट में एसेट्स आपका दिख रहा है कि काफ़ी है, अगर एसेट ज़्यादा है और लाइबिलिटी कम है, तो आपको माना जाएगा कि आप फाइनेंशियली साउंड कंपनी है। मतलब आपके कंपनी में पैसे की दिक्कत नहीं है, कंपनी में पैसा बहुत है, कंपनी स्ट्रांग कंपनी है। कोई भी इन्वेस्टर जब कंपनी में इन्वेस्ट करने जाता है तो वो यही चाहता है कि कम से कम लाइबिलिटी हो कंपनी में। कंपनी का जो भी बिजनेस चल रहा है उसके खुद के एसेट से बिजनेस चल रहा हो, तो वो ऐसा ही कुछ सोचता है। तो वही सेम चीज़ आपको इसमें बताना है कि यहाँ पे जो एसेट्स है वो हमारा फ्रॉड में हम क्या करते हैं, एसेट्स हमारा कम रहता है तो उसको हम ज़्यादा दिखा देते हैं, और जो लाइबिलिटी हमारा कम ज़्यादा है जो कि नुकसान है, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार सिचुएशन है, उसको हम अच्छा दिखा दे, बहुत कम लाइबिलिटी है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, मान लीजिए हमारा 20 लाख रुपीज़ का एसेट्स है, ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स अकाउंटिंग फ्रॉड कैसे होगा? फॉल्स अकाउंटिंग फ्रॉड में क्या होगा, बैलेंस शीट को इस तरीके से बनाया जाएगा कि हमने क्या किया, यहाँ पे 40 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट दिखा दिया, ठीक है, तो 20 की जगह 40 हो गया। और लाइबिलिटीज़ में क्या किया, लाइबिलिटीज़ हमारा जो था वो मान लेते हैं 5 लाख रुपीज़ की लाइबिलिटी थी, तो पहले से कंपनी की सिचुएशन सही थी, बहुत ख़राब सिचुएशन नहीं है। अगर आपके पास एसेट्स 20 लाख का है और लाइबिलिटी 5 लाख का है, तो मतलब आप पे कर सकते हो, लेकिन फ्रॉड करने जा रहे थे, तो फ्रॉड करने जा रहे थे, हमने क्या किया, लाइबिलिटी को कम दिखा दिया। इसी को ओवर स्टेटेड और अंडर स्टेटेड कहते हैं। ये आपका ओवर स्टेटेड है और ये आपका अंडर स्टेटेड है। तो ओवर स्टेटेड में आपका जो आप एसेट्स है आप ज़्यादा दिखा दिए, अंडर स्टेटेड में आपने लाइबिलिटी आपने कम दिखा दिया, ठीक है। तो उससे हुआ कि आपका बिजनेस और ज़्यादा स्ट्रांग दिखने लगा। अब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, ऊपर वाले में कम करते हैं लेकिन अब जो हो गया सिचुएशन अब इन्वेस्ट करेंगे, तो ये गलत काम है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स अकाउंटिंग फ्रॉड। अगर ये पता चल जाए गवर्नमेंट को कि आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए सज़ा भी हो सकती है, पनिशमेंट भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब फ्रॉड जितने भी हैं, फ्रॉड में सब में पनिशमेंट एप्लीकेबल है। आप इसमें से कोई भी फ्रॉड करते हैं तो गवर्नमेंट मतलब कोर्ट आपको पनिशमेंट देगा ही देगा, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड। अभी इंश्योरेंस फ्रॉड हमारा छूट गया है, उसको हम लोग लास्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड देखिए क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड में हम कैसे ये फ्रॉड होते हैं पहले इसको समझ लें। अभी इंश्योरेंस फ्रॉड हमने यहाँ लिखना भूल गए थे, इसको लिख दे रहे हैं, अभी लास्ट में उसको हम लोग बता देंगे, इंश्योरेंस फ्रॉड, ठीक है। तो अब देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स। तो ट्रेडमार्क समझते हैं, ट्रेडमार्क का मतलब हो गया जो मार्क लगा होता है किसी कंपनी का, उसको ट्रेडमार्क कहते हैं। जैसे आपने देखा उसका एडिडास का एक मार्क हो गया है, फिर मैकडोनल्ड्स का आप देखते हो ऐसे एम लिखा रहता है, ये मैकडोनल्ड्स का मार्क हो गया, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ होता है मैकडोनल्ड्स का, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो मिंत्रा का रहता है, मिंत्रा के शॉपिंग का ऐसे है, ठीक है, ऐसा कुछ बना रहता है, तो एम लिखने का तरीका इनका अलग होता है, ठीक है। तो ये सब इनके ट्रेडमार्क्स हैं, आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये इनका गुड। नाइकी का है तो ये नाइकी का ट्रेडमार्क है, टिक टिक लग गया, ठीक है, ये सब ट्रेडमार्क्स हैं। तो आपने क्या किया, आपने एक गुड्स बनाया और उस गुड्स के ट्रेडमार्क को आपने कॉपी कर लिया, तो ये होता है ट्रेडमार्क फ्रॉड। इसी को हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड कहते हैं। जैसे अब आपने एडिडास का स्पेलिंग लिखा, उसमें एडिडास में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करके लिख दिया, ठीक है, टिक वाले में टिक उनका टिक जैसा होता है, आपने उसको थोड़ा सा मोटा बना के टिक लगा दिया ऐसे करके, ठीक है, तो ऐसा कुछ आपने कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि आपने ट्रेडमार्क में गलती कर दी, ताकि आप पकड़ाओ नहीं, आप मतलब सामने वाला अगर पहचान न सके तो वो खरीद ले आपका गुड्स, तो इसको हम लोग ट्रेडमार्क का फ्रॉड कहते हैं। ये हमारा कैटेगरी किस कैटेगरी में आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड में आता है। और समझते हैं कॉपीराइट फ्रॉड क्या होता है, तो देखिए ये सब इसके पार्ट है। आप कोई भी फ्रॉड देखिए, समझाना तो है नहीं आपको, समझने के लिए मैं खाली बता रहा है आपको, खाली एक जो आपके बुक में लिखा हुआ है, दिस इज़ अ फ्रॉड इन्वॉल्विंग प्रॉपर्टी दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर द पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेड सीक्रेट लॉस। इंटेलेक्चुअल प्रॉड कंसिस्ट ऑफ
वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज. द फ्रॉड में इन्वॉल्व गेनिंग इन लीगल एसेस टू द प्रोटेक्टेड मटेरियल. यहाँ तक आपको लिखना है. ये तो आप वहाँ से देख के लिख दोगे, लेकिन ये समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि कैसे ये फ्रॉड लोग करते हैं और कैसे ये गलत है. अब इसमें क्या है, किसी का बुक है, किसी ने बुक लिखी है अपना. अब आपने क्या किया, उनके कंटेंट को चुराया और एक अपना बुक लिख दिया, ठीक है ना. आपने सोचा इतना मोटा बुक है हमको भी लिखना है, तो आपने क्या किया, वहां से कंटेंट उठा के लिख दिया. तो इसको बोलेंगे कॉपीराइट फ्रॉड. ये आपने यहाँ पे कॉपीराइट फ्रॉड कर दिया, ठीक है. तो ये ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब हमारे फ्रॉड्स होते हैं जो लोग अक्सर करके करते हैं, और इसके लिए सज़ा होती है, अच्छी खासी सज़ा होती है, ठीक है. तो इसको हम लोग बोलते हैं पूरा मिला के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड. अब आते हैं नेक्स्ट. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉड के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंटरनेट एंड साइबर फ्रॉड. अब इंटरनेट साइबर फ्रॉड देखिए बुक में क्या दिया हुआ है. दिस टाइप ऑफ फ्रॉड्स इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क, ठीक है. बिना कंप्यूटर नेटवर्क के तो फ्रॉड होगा ही नहीं. और साइबर क्राइम में भी डिफाइन, यहाँ पे साइबर क्राइम को डिफाइन कर दिया है कि साइबर क्राइम क्या होता है. साइबर क्राइम का पूरा डेफिनेशन दे दिया है. एन ऑफेंस दैट इज कमिटेड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल विद द मोटिव टू डेलिबरेटली हार्म देयर रेपुटेशन ऑफ द विक्टिम एंड कॉज फिजिकल और मेंटल हार्म लॉस विक्टिम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय यूजिंग मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क सच एज इंटरनेट एंड मोबाइल फोन. तो पूरा आंसर ये आपका बनेगा 2 मार्क्स में. आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो फ्रॉड होता है इंटरनेट वाला फ्रॉड, इसमें बेसिक चीज़ क्या होती है. देखिए बता दें, अगर मान लीजिए आप बना के लिख रहे हैं आंसर तो क्या बना के लिखेंगे. यहाँ पे बेसिक चीज़ होती है इंटरनेट. आप जो भी फ्रॉड करते हो यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू करते हो. यूजिंग मोबाइल, ठीक है. आप जो डिवाइस यूज़ करते हो, मोबाइल यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो, कंप्यूटर यूज़ करते हो, टैबलेट यूज़ करते हो, तो ये सब जहाँ जहाँ इंटरनेट चलता है सब चीज़ आप लिख सकते हो. ये डिवाइस को यूज़ करके हम ये फ्रॉड करते हैं. लेकिन इसमें होता क्या है, यहाँ बेसिकली जो फ्रॉड माना गया है यहाँ पे आप दूसरे के रेपुटेशन को खराब करते हो, ठीक है ना. तो इंटरनेट और साइबर फ्रॉड में रेपुटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप बना के भी लिख देते हो और ये सब कीवर्ड्स हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. तो रेपुटेशन क्या है कि आपने क्या किया, किसी की आईडी हैक कर ली. आईडी जिसको बोलते हैं, जैसे किसी का फेसबुक का आईडी है, इंस्टाग्राम का आईडी है, आपने उसका हैक कर लिया. फिर आप उसके फ्रेंड्स को, आप उनके फ्रेंड से पैसे मांगने लगे, ठीक है. तो इससे क्या हो रहा है, आपका रेपुटेशन ख़राब हो रहा है, ठीक है. और लोग आपको पैसे भेज भी रहे हैं नहीं भेज रहे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने रेपुटेशन तो उनकी ख़राब कर दी. उनको पता ही नहीं है और उनके नाम पे आप पैसे मांग रहे हो, ठीक है. तो ये रेपुटेशन ख़राब कर दिए. तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा इंटरनेट एंड साइबर फ्रॉड का, ठीक है. तो यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी बहुत सारे जो आपके अकाउंट्स होते हैं, जो आपका अकाउंट्स हैक करके जो आपके अकाउंट्स का मतलब गलत यूज़ कर रहे हैं, जिससे वजह से आपका रेपुटेशन ख़राब हो रहा है, वो आपका आएगा इंटरनेट एंड साइबर फ्रॉड में, ठीक है. तो इसमें आपका बुक का आंसर बहुत बड़ा है. अगर आप चाहो तो इसको बना के इसको लिख सकते हो. उसमें आपको इतनी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी, इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप जो डिवाइस हो गया, और प्लस यहाँ पे आप जनरल पब्लिक का रेपुटेशन ख़राब करते हो. उसके बाद आते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट हमारा जो है वो इंश्योरेंस फ्रॉड. एनी एक्शन टेकन विद एन इंटेंशन टू ऑब्टेन द फ्रॉडुलेंट बेनिफिट फ्रॉम द इंश्योरेंस प्रोसेस इज कॉल्ड इंश्योरेंस फ्रॉड. इंश्योरेंस फ्रॉड में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे जो हार्म करते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी को हार्म करने का कोशिश करते हैं, ठीक है. इंश्योरेंस कंपनी को हम हार्म करते हैं. कैसे हार्म करते हैं, गलत बेनिफिट उठा के. जैसे अब इंश्योरेंस आपने कराया अपने गोडाउन का, आपने जानबूझ के अपने गोडाउन में आग लगा दिया और फिर आपने क्लेम कर दिया कि अब हमें उसका पैसा दो. ये एक तरीके का फ्रॉड है. अगर आप पकड़े जाओगे आपको पैसा भी नहीं मिलेगा, जेल अलग से होगी, ठीक है. और क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल, आपने अपनी एक कार का इंश्योरेंस कराया और जाके आपने जानबूझ के कार लड़ा दी, ठीक है ना. एक होता है ना कि कार बड़ी पुरानी हो गई, थोड़ा जान लड़ा पेंट वेंट हो जाता तो अच्छा लगता. तो आपने क्या किया, जानबूझ के कार लड़ा दी. अब पहुंच गया कंपनी लेके, कार का एक्सीडेंट हो गया, इसको पेंट वेंट कर दीजिए, बढ़िया कर दीजिए, नया कर दीजिए एकदम. तो अगर
इंश्योरेंस कंपनी वालों को फील हो गया कि आपने जानबूझ के ये सब काम किया है, क्योंकि उनके जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो कार को चेक करते हैं, अगर उनको किसी तरीके से चेक हो गया या फिर अगल बगल जहाँ पे एक्सीडेंट होता है वो आपसे पूछते हैं कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे जाके वो पता किए और उनको कुछ भी ऐसा सबूत नहीं मिला कि ऐसा कुछ वहाँ पे हुआ था, तो उस कंडीशन में आपको कैटेगरी में डाल दिया जाएगा फ्रॉड के। आपको एक पैसा नहीं मिलेगा, आपकी गाड़ी भी टूट गई और प्लस आपके ऊपर जो केस होगा वो अलग बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंश्योरेंस फ्रॉड। तो इंश्योरेंस फ्रॉड भी ये होता है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, दो दो मार्क्स के लिखने हैं, तो जो आपको कीवर्ड्स बताए हैं आप इस कीवर्ड्स को ऐड करके इसको लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें आपको स्टोरी नहीं समझानी है, क्लियर है।